मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, मैं मुसलमान हुक्मरान हूँ, और ये इसका जवाब सुने आप मेरे से गौर से, खासतौर पर पाकिस्तानी हुक्मरानों के, जिस अमरीका के खौफ से आलमी ताकत समझ के तुम्हारी कपड़े गीले हुए हैं, हाथ पाँव काँप रहे हैं, उसका हमने ये अशर किया कि 6 महीने टिका के मारा है उसको, और अगर उसमें हिम्मत है तो जाओ हम पाकिस्तानियों के मोमिनीन की तरफ से अमरीका को पैगाम दो कि तुम अगर आलमी ताकत हो और इतना बड़ा मुंबा हो तो बाबुल मंदब से एक जिहाज ले जाके दिखाओ। अब तक 3 महीने में हमने तुम्हारे 200 जिहाज गरक कर दिए हैं, उसमें फौजी जिहाज भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, बरतानवी जिहाज भी है और इसराइली जिहाज भी है, हमने गरक कर दिए। अगर तुम इतनी बड़ी ताकत हो और तुम अब तक उनको इनकी ताकत समझती हो तो जाओ हमारा पैगाम दो। जाओ फैसल रजाब जी ने कहा एक जिहाज बाबुल मंदब से ले जाके दिखाओ, एक साबित ले जाके दिखाओ अगर तुम ताकत हो। खत्म हो चुका है अमेरिका, आप लोग के जहन में पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट ने कायम कर रखा है, आपके जहन में अमेरिका को ताकत पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कायम कर रखी है, क्योंकि इनकी सारी जायदाद ही मैनहट्टन में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के कायदीन की 500 अरब डॉलर की जायदाद या तो अमरीका के अंदर है या यूएई के अंदर है या यूके के अंदर है या जद्दा के अंदर है। तो अपनी जायदाद के खौफ से डिवेल्यू होने के आपको अमरीकी मुंबई में शिकार कर रखा है, क्योंकि इनका तो धंधा ही अमरीका है। जिस दिन अमरीका फारिग हुआ पाकिस्तानी हुक्मरानों, हमें तो वो नहीं मिलेंगे, हमारा निशाना तुम होगे, डायरेक्ट तुम्हारे घरों में घुस के तुमसे हिसाब चुकाएंगे इंशाल्लाह। करो तुम यहां पे इस्लाम दुश्मनी।